लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 85% आबादी पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के एक सदस्य ने कहा है कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी और मजहबी सरगर्मियां तेज हो चली गई हैं। सबसे अधिक घमासान रमजान के दौरान पड़ रहे मतदान के चरणों को लेकर मचा है। कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई है, तो वहीं भाजपा का आरोप है कि लोग रमजान पर मुसलमानों के वोट लेना तो चाहते हैं पर तारीख का ध्यान नहीं रखते। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदस्य ने इसे भाजपा की सोची समझी रणनीति करार दिया है। विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने चुनावी तारीखों को लेकर मचे घमासान को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है और कहा कि दोनों ही पार्टियां मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती हैं, लेकिन मुस्लिम त्योहार के समय चुनाव होने पर आपत्ति चुनाव आयोग के सामने क्यों दर्ज नहीं कराई। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हिंदुस्तान की 85% आबादी पर कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रमजान का प्रतिनिधित्व करने सरदली बैठक में बैठे थे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, और सरदली बैठक में बैठकर शायद निर्वाचन आयोग अपनी तिथियों के बारे में मोटा मोटा सबकी सलाह और मशवरा के साथ करता है। लोग रमजान पर मुसलमानों की वोट लेना तो चाहते हैं पर मुसलमानों के त्योहारों का ख्याल नहीं रखना चाहते, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहते। दूसरी बात यह है कि त्योहारों की जो तारीखें तय की गई हैं मोटे तौर पर उसमें हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े पर्व आ रहे हैं, जैसे बौद्ध पूर्णिमा 18 तारीख को, बौद्ध पूर्णिमा है 7 मई को जो है वो है अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया पर देश भर में अघोषित तौर पर लाखों विवाह सम्मेलन होते हैं बिना तिथि के, एक महापर्व इसको कह सकते हैं। और बौद्ध पूर्णिमा हो, गुरु नानक की जयंती है वो भी पूर्णिमा को पड़ती है, संत रविदास जी की जयंती है वो भी पूर्णिमा को पड़ती है। हिंदुस्तान में नर्मदा का तट हो, गंगा का तट हो, कावेरी का तट हो, सरयू का तट हो, जितनी भी पवित्र नदियां इन नदियों पर 24-24 घंटे के बड़े बड़े मेले आयोजन करते हैं। लोग स्नान दानी पूर्णिमा के रूप में इनको पूजते और मानते आए हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग अगर उनके मत को भी ध्यान में रखता है तो हिंदू समाज के मतों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हिंदू समाज के मत के साथ एक परेशानी यह है कि हम पंचांग नियम से जब चलते हैं तो पंचांग में एक उदय तिथि है जिसको प्रारंभ तिथि कहते हैं, सूर्य उदय के साथ जो तिथि लागू होती है वो उस दिन होती है, और अगर मध्यकाल में कोई तिथि आती है तो उसे लागू नहीं करते, जब दूसरा दिन का सूर्य उदय होता है तब लागू करते हैं। तो निर्वाचन आयोग को भारत के हिंदू समाज की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, वो दूसरों की रखे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सपा कांग्रेस तब कहां मर गई थी जब निर्वाचन आयोग ने उनसे तिथियां पूछी थी, केवल मुसलमानों से वोट लेने के लिए तो रोते हैं हम है तुम्हारे हैं, लेकिन त्योहार और पर्व में कहां चले जाते हैं। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदस्य ने चुनाव आयोग पर चुनाव तिथि को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे भाजपा की सोची समझी रणनीति करार दिया है। साथ ही कहा है कि मुसलमान इबादत करेंगे या मतदान। चुनाव आयोग ने जानबूझकर मुसलमानों की इबादत में खलल डालने के लिए ये डेट डिसाइड की, हमको ऐसा लगता है। 6 मई से मुसलमानों का पवित्र रमज़ान का त्यौहार शुरू होने जा रहा है। अब मुसलमान नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा या वोट डालने जाएगा, फिर 12 तारीख को, फिर 19 तारीख को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो विद्वान लोग हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जानबूझ के ये डेट निर्धारित की गई। यहाँ आप अप्रैल में करा लेते चुनाव, तो इसके पीछे हमको कोई गहरी साजिश नज़र आती है। मुसलमान वोट डालने जा ही नहीं पाएगा, बहन बेटियां जा नहीं पाएंगी, और वोटिंग करना तो हर एक का हक है,
तो हिंदुस्तान के 48 करोड़ मुसलमानों के साथ एक साजिश की जा रही है, उनको वोटिंग राइट से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। अब मुसलमान नमाज छोड़े और वोट डालने जाए। वहीं लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर उत्पन्न विवाद पर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है। बहरहाल अब तारीखों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। बता दें, मतदान को भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।